ये देखो ये बन रही है शराब, ये ऐसी बनती है शराब, इतनी मैंने तो आज ही देखी, इतनी गंदी होती है शराब। ये देखो इसके अंदर बना रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको? नो नो इट्स ओके, आई विल बी फाइन। यस सो द इंग्रेडिएंट्स आर माल्ट और मेज, ओके, एंड द मिक्स इज हॉप्स, ओके, द ग्राइंडिंग इन द मिल हाउस, ओके ओके, एंड द पेस्टेड लाइक कुक, ओके, एंड आफ्टर कुक ये देखो शराब कैसे बनती है, मक्खियां भरी पड़ी है इसके अंदर। द लॉस ऑफ मॉस्किटोज, इस घर में ना 6 लोग रहते हैं इतने से छोटे घर में। यहाँ पे ना 2 तरह के ट्रेडिशनल हाउस होते हैं, एक तो ये है, ये गोल वन, इसमें सारे रहते हैं बुजुर्ग, और जो होता है स्क्वेयर जैसे, है ना उस। ये देखो ये इनकी रसोई है, और ये है यहाँ की लोकल ब्रेड जो कहते हैं ना अंजीरा, उसको कैसे बनाते हैं अंजारा। अफ्रीका में एक बंदा ऐसा है जिसकी ब्लू आईज है, ही हैव अ ब्लू आईज, कैन यू शो मी। ये देखो ये जो ड्रिंक बनाई थी वो पीते हैं इसको, इसमें बहुत कम परसेंट अल्कोहल है, और छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी ट्राइब से मिलने जो आरी ट्राइब की, जिनसे राइवलरी चल रही है, जिनसे इनकी लड़ाई चल रही है, और बहुत हजारों सालों से मुर्शी ट्राइब और आरी ट्राइब लड़ती आ रही है, उस ट्राइब से मिलने जा रहे हैं अभी हम। लेट्स गो, और आपको दिखाता हूँ कि वो ट्राइब कितनी डेवलप हो चुकी है और कैसी बन चुकी है इस टाइम पे। मुर्शी तो आपने देख ली, अब आरी देखने चलते हैं। लेट्स गो, हम आ गए हैं आरी ट्राइब को देखने, जो ओमो वैली की सबसे बड़ी ट्राइब है, और हमारे साथ है यहाँ हमारे लोकल गाइड चुको Mituku. His yeah. name is Mituku. Yes, my name is Mituku, and I'm a local guide. So the Ari are the largest population of a Snowlangastic group of the Omo Valley. Their influence extends from the northern border of Mago National Park into the highlands around Jinkandik Ayafar and even farther north. Usually, the Ari are agriculturalists. They produce the majority of the agricultural products in the Omo Valley, and then they grow various substances. Crop cereals like wheat, barley, sorghum, maize, teff, millet, and oats. And then root crops like false banana, cassava, sweet potato, and taro. Okay. So this one is Ari village and located in southern part of Ethiopia, okay. And 8 kilometers far from Jinka. And okay. Then it is well known by pottery, you know pottery? Okay. Pottery and the schnapps, which means the how to make alcohol. Okay. Yeah. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा, पहली बात तो ये जो जिंका है उससे 8 किलोमीटर दूर है, दूसरा ये पूरे इथोपिया की या अरबा मिंचोगर ये सबसे ज्यादा फूड सप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यहीं की है, और बहुत तरह के फ्रूट, बियर, शराब, पता नहीं बहुत कुछ चीज बनती है, फ्रूट भी यहाँ से जाते हैं जिंका में, बहुत सारी चीजें बनती है, उन्होंने सारी फसलें आपको बताई हैं। और अभी हम चल रहे हैं आरी विलेज की तरफ। आपको एक सबसे मेन बात बताता हूँ, जब से मैं अफ्रीका आया हूँ, चलो हाइजीन को तो आप साइड पे रखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये अच्छी चीज लगी मुझे ना, ये जो फार्मिंग करते हैं उसमें बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और इस करके ना यहाँ के फ्रूट बड़े टेस्टी हैं। जब मैं अरबा मिंच में था, हवासा में था बेटी के साथ, तो हमने एक फ्रूट शॉप पे गए थे, इतना ज्यादा स्वाद फ्रूट मैंने जिंदगी में नहीं खा रहे, उतने ज्यादा टेस्टी, ना कोई शुगर ऐड करते, ना कुछ हनी ऐड करते, नेचुरली बिना कोई पेस्टिसाइड्स के इतने मीठे हैं। और यहाँ पे वही सिस्टम है, बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत स्लो है, इस करके ना लोग पढ़ते नहीं है, एज कम्पेयर टू यही प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर कुछ काम करें। और अभी मैंने आपको दिखाया 10 मिनट पहले कि लोकल बच्चे जो गांव के, शहरों में बच्चे, जो जिंका में बच्चे, बहुत सारा नशा करते हैं, पेट्रोल का नशा करते हैं। ये देखो भाई, पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ, इसको बोलते हैं अवाकाडो का पेड़, ये अवाकाडो लगे हैं इस पे। अवाकाडो यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, कहाँ लगे हुए दिख तो रहे नहीं कैमरे में, ये लगे हुए हैं, दिखे ये लगे हुए अवाकाडो। अवाकाडो यहाँ 50 रुपये के किलो, 1.5 किलो आराम से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, और ये मैंगो लगे हुए हैं।
ये देखो कॉफी लगी है. Okay, now the color is keep green and then okay. after 3 weeks this color changed into yellow. Okay. And then become red. Okay. ये देखो अभी ग्रीन है फिर येलो होगा फिर रेड होगा फिर रोस्ट करने के बाद ब्राउन हो जाएगा है ना. यस ये हमें यहाँ पर आसपास घुमा रहे हैं कि दिखा रहे हैं अपना एक टाउन है अभी क्योंकि जब आरी की तरफ जाते हो तो यहाँ का जो मेन प्रोडक्शन है इनकी कॉफी फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे तो यही इनकी मेन प्रोडक्शन है यही यहाँ का इनकम सोर्स है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और मिट्टी यहाँ की बहुत उपजाऊ है. ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं कॉफी कैसे बनती है. ये देखो ये सुखाते हैं इसको कॉफी. ओके ये सुखा रहे हैं इसमें कॉफी को और वहां पे छानते हैं. So in Ari we use coffee beans and coffee leaf. Okay, coffee beans and coffee leaf. Coffee leaf, yeah, and the coffee beans innovation, that one. Okay. Roasting and after roasting. ये roasting करने से पहले हैं coffee bean और ये roast normal है. Okay. In Hamar in Dasar Shtirab they use coffee share means that one. Okay, okay. ये coffee ऊपर छिल्ला क्या उसके? Sounds coffee share for Hamar and for Mursi tribe. Okay, okay. They drink also. Yeah. Okay. First we see the pottery. Okay. The pottery we actually make how to make plates and how to make coffee pots. Okay. So this one is the sandstone. Okay. Sandstone also they take from river. Okay. And so they're grinding, then after grinding she mix with clay or mud. Okay. And this sandstone they use for strength, it becomes strong. Okay. What do you mean? Like cement. Yeah? Cement, okay. Cement, so yeah, like cement, yeah. Yes, kuch. वहाँ की मिट्टी पत्थर लेके आए हैं जो नदी के पास मिलता है और इसके साथ मिलाएंगे कीचड़ के साथ. ये कहते हैं सीमेंट कितना मजबूत हो जाएगा. यहाँ पर ज्यादातर काम लेडीज ही करती है मैंने देखा है. जो छोटी प्लेट्स हैं उनमें तो कॉफी को रोस्ट करेंगे और जो बड़ी प्लेट बनाते हैं उसमें वो ब्रेड खाते हैं ना जो मैंने आपको दिखाया था अंजीरा ब्रेड होता है उसके लिए जब उसमें रोस्ट करते हैं वो उसके लिए. ज्यादातर मटेरियल जो भी होता है यहाँ पर जो लोकल मिट्टी है या जो आसपास के सैंड है उनसे मिला के ही बनाते होते हैं यहाँ पर. कोई मार्केट से लेता होता क्योंकि हजारों सालों से ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं तो ये अपने कल्चर को इतना छोड़ते नहीं अपने कल्चर के साथ ज्यादा जुड़ के रहते हैं. घर में ना 6 लोग रहते हैं इतने से छोटे घर में. यहाँ पे ना 2 तरह के ट्रेडिशनल हाउस होते हैं. एक तो ये है ये गोल वन इसमें सारे रहते हैं बुजुर्ग और जो होता है स्क्वेयर जैसे है ना उसमें रहते हैं जो यंग कपल होते हैं उसमें. और इतने छोटे से घर में 6 लोग रहते हैं. देखो कितना छोटा सा दिख रहा है इसमें 6 लोग रहते हैं. यहाँ ना लोग बहुत ही थोड़ी जगह में बनाते हैं. मैंने इनसे पूछा था कि आप लोग आपकी जमीन इतनी बढ़िया और जगह पे बड़ा क्यों नहीं बना लेते. Why not they making big houses? Because this one's like modern houses. No, old one, ancient house. Why not they make big one? Simple. Because if it will be the size more big, huh? Because they cover with the grass. Yeah. Okay. So that's why in the rain time, huh? The grass is not survive the rain. They broken the made it. Okay. I thought you have a culture to not a big house. Yeah. No, that was not culture. Okay. अभी ये दिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं अंजीरा को. हेलो ये देखो उसी द प्रिपरेशन ऑफ अंजीरा. ओके एन आर इज आर आर प्लीज ओके कैन वी गो इनसाइड. यस ये देखो ये इनकी रसोई है और ये है यहाँ की लोकल ब्रेड जो कहते हैं ना अंजीरा उसको कैसे बनाते हैं अंजीरा. एन आर इज आर आर 4 kinds ऑफ अंजीरा. ओके टेफ maize, sorghum and the millet. Okay. So sorghum teff is very expensive and we use on festival like on Epiphany, on Christmas, on Easter. This one is maize injera, so daily. Ye maize injera, teff injera aur injera kehte hai teff is very expensive. Yes, very expensive. Teff hi hota hai jo maine aapko bataya tha na sabse acha food hota hai
सबसे जिसको सुपर फूड भी माना गया उसका बनाते हैं, पर ये कभी कभी इसका बैटर है वो बैटर बनाया हुआ है इन्होंने। अब इसका इसके ऊपर ऐसे घेर के ये बना देंगे, और बनने के बाद देखेंगे कुछ ऐसा अंजीरा, और इसको कवर करके रख देंगे बम्बू। ओके रिमेंबर ऑन द फैक्टरी ओके यस 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 ओके। जो अभी प्लेट मेकिंग देखी थी वो ये थी, वो प्लेट बनाई थी इन्होंने, वो वैसी बन जाती है, बड़ी हो जाती है। ये अंजीरा बना रहे हैं, ये कुछ इनका किचन है कह सकते हैं। ही सेल अंजीरा राउंड है इसलिए ओल्ड पीपल है, और ये स्क्वेयर है ये यंग कपल्स के लिए, मॉडर्न हाउस फॉर यंग पीपल ओल्डर ओके। और ये देखो कैन सी इनसाइड, ये देखो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है इनका घर है ये जैसे हमारे, पर इनके घर एज कम्पेयर टू मूर्सी से ज्यादा अच्छे हैं, और ये मूर्सी से ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, मिट्टी के बना रखे हैं अंदर, गोबर और मिट्टी से लीप रखा है। अंदर से भी अच्छा दिख रहा होगा, वैसे भी अच्छा लग रहा है देखने में, भी इतना साफ सुथरा लग रहा है कि ये एज कम्पेयर टू उनसे अच्छा है, बड़ा भी और उनसे। और इसकी छत देखो काली भी पड़ी है धुएं से ना। चलो आगे चलते हैं। ये है कुछ आरी ट्राइब के घर, ये है कुछ आरी ट्राइब, और यहाँ से दिखता है ऐसा यार चाट और गैट, ये होती है जी जो चाट, जो सारा दिन चबाते रहते हैं ना लोग यहाँ के लोकल बंदे, जो यहाँ का लोकल जर्दा है जिसको कह सकते हैं, वो है चाट, यहाँ के सारे लोग चबाते रहते हैं। तुलसी पेजल the second puzzle, but the first one is very interesting, it's a gorgeous meal. This one is best, the second one. This one is the best? Is it best? No. The other one is best. I'll show you maybe over there. Can I take this? Badi tagdi smell hai, can I hold this? Badi tagdi smell hai yaar. Main aapko ek baat bata sakta hu. Duniya mein aapne na tulsi dekhi hongi, hamare India mein bahut hoti hai. Is level ki tulsi maine zindagi mein nahi sun ke dekhi. जैसा ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर की खुशबू आ रही है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ अमेजिंग, बहुत ज्यादा है। कोशिश करूंगा इसके बीज ले जाऊं। मेरे ख्याल से ये एक ट्राइब है जो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज हो गई है, बिकॉज यहाँ पे सारे लोग आप मॉडर्न हो गए हैं, छोटे मोटे गाइड रह गए हैं। अब यहाँ पर ये होता है एजुकेशन का सिस्टम, बट अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जरूरत है चीजों की, और पता नहीं कब पूरी होंगी। अफ्रीका में आके आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा यार कि कैसी दुनिया है, थोड़ी सी है डिफिकल्ट। बहुत सारी चीजें आपको मैं जब कंट्री आउट करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा जब यहाँ से बाहर निकलूंगा, तब आपको बताऊंगा। कुछ हार्श रियलिटी है कसाबा जो आप लोगों को लोग बताते नहीं है, सिर्फ अच्छा बताते हैं। Raw mango, fresh mango. Here it's a lot of fruit like mango. What is that? Avocado. House? Yeah, this modern house, yeah. Modern house. So big now, huh? It's like a restaurant. Restaurant is, I saw that. Yeah. Local bar. Achha, it's a local bar. Okay. Ye yahan ka local bar. Tab main sochi itna bada kyon lag raha hai? Ye ghar nahi hai, local bar bana diya. Now we see then how to make alcohol. Dekho, bhai ek cheez dikhata hu. Ye शराब कैसे बनाते हैं, लोकल अल्कोहल पुत्री का। हाँ नाउ दिस वन इज शनाप्स, देन वी सी हाउ टू मेक अल्कोहल। नो नो इट्स ओके, आई विल बी फाइन। यस सो द इंग्रेडिएंट्स आर माल्ट और मेज ओके, एंड दे मिक्स विद होप्स ओके, दे ग्राइंडिंग इन द मिल हाउस टुगेदर ओके, एंड दे पेस्टेड लाइक कुक ओके, एंड आफ्टर कुक They mix with clean water ओके, एंड देन दे फर्मेंटेड फॉर 3 डे फ्रॉम देयर ओके। ये देखो शराब कैसे बनती है, मक्खियां ही मक्खियां भरी पड़ी हैं इसके अंदर, तो द लॉस ऑफ मॉस्किटोज। या दिस नॉट मॉस्किटो लाइक दे आर फर्मेंट, या दे आर फर्मेंटेड फॉर 3 डे ओके, आफ्टर 3 डे दे आर पुट ऑन द फायर ओके। ये देखो ये बन रही है शराब, ये ऐसी बनती है शराब, इतनी मैंने तो आज ही देखी, इतनी गंदी होती है शराब। ये देखो इसके अंदर बना रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको, ये
which ingredient? Ingredients malt or maize. Malt or maize को mix करके hops को डाल के ये बनाते हैं fermentation करके इसके अंदर आती है. The alcohol is coming back this way. In a store this way. Okay okay. ये देसी दारू बन रही है यहाँ पर और उसके बाद फर्मेंटेशन होने के लिए इसमें छोड़ देते हैं 3 दिनों के लिए. 3 दिन बाद बन के आती है यहाँ पे. लीगल है? इट्स लीगल ओवर हियर. इट्स लीगल. ओके. यू वी कैन टेस्ट ओवर देयर. ओह नो नो आई डोंट ड्रिंक. रियली? आई डोंट ड्रिंक. ओहो हो हो. अंदर अंदर इतना धुआं था बस पूछ ही ना. बहुत ज्यादा धुआं था अंदर. अंदर बन रही है देसी शराब और ये पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का लोकल बार जहाँ पे लोग शराब पीते हैं. शायद इनके गवर्नमेंट अलाउ करती है यहाँ पर इनको शराब बनाना. लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं. ये थी आरी ट्राइब और ये दिखाया मैंने आपको यहाँ पे इनका प्रोसेस कि शराब कैसे बनती है. यहाँ पर लोकल शराब इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग बहुत ज्यादा पीने आते हैं. आसपास के लोग अगर देख लेंगे शायद ना पिएंगे इतनी गंदी तरह बनती है. और ये है कुछ लोकल बार अंदर से ऐसा बना रखा है. यहाँ कॉफी भी मिलती है, बार भी मिलती है और खाने पीने का मिलता है. इन ड्रमों में शराब भर के रखी जाती है. अगर कोई पीना चाहता है तो पी सकता है. ओके. हनी वाइन. हाँ इट्स वेरी फेमस इन एडिस. हाँ ये हनी वाइन है जो बहुत फेमस है. इज मेड बाय द रियल हनी. दैट्स रियल हनी. ओके. यहाँ पे हर चीज तो है लेकिन प्योरिटी लेवल अब मेरा विश्वास उठ गया हाइजीन लेवल देख के. यहाँ पर सारे लोग पीते हैं शराब. ओहो बहुत मच्छर थे यार. बहुत अंदर मच्छर थे. बहुत ज्यादा गंदगी थी. पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं. और लोग पी रही थी. वो लेडी बना रही थी. यस यस. रिमेंबर दैट वन इज नॉट बजर. ओके. द ओरिजिनल बजर दिस वन. ओके. ओहो हो. इज ऑल डिफरेंस. हां इज डिफरेंट. फर्स्ट या. यस यस. ये तुलसी का दूसरा वो है. इन्होंने दिखाया मुझे कि तुलसी है. वो सेकंड वन थी. ये कुछ और है. ये तुलसा होगी शायद. वो तुलसी थी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बहुत अच्छी है. बहुत खुशबू बहुत अच्छी आती है. ये थी कुछ आरी विलेज और आरी ट्राइब. मॉडर्न हो चुकी है. अब तो ट्राइब रही नहीं है. धीरे धीरे और ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं. यहाँ जल्दी जल्दी तरक्की हो. कुछ बड़ा बने यहाँ पर. अच्छा बने क्योंकि ऐसे लाइफ सर्वाइव करनी बहुत मुश्किल है. अफ्रीका में एक बंदा ऐसा है जिसकी ब्लू आईज हैं. ही हैव अ ब्लू आईज. कैन यू शो मी? ये देखो. कहते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से इसकी आईज ऐसी ब्लू हो चुकी हैं. और यहाँ के लोगों को ना पूल खेलने का बहुत शौक है. ये पूल खेलते हैं. और ये देखो भाई की बॉडी मस्त. लाइक बॉडी देखो. जबरदस्त बॉडी. इज नाइस. Oh, try sir, like that. I will show you. No, 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 like that. Wait, hold it, hold it. Okay. Hold it. Push down. Yes, yes, yeah. Try sir. Yeah, yeah. Boy, I interview like you call. Yeah, sorry. I interview कर रहे हैं नंदी. Back. Yeah. Like that. जरूर देखा मेरा. I interview कर रहे हैं. I will tell you. Yeah. हाँ कोई दो मिल लेना आंटी. अच्छा अच्छा. नो आउट आउट आउट. या या देखो बॉडी बिल्डिंग शो शुरू हो गया यहाँ पे. मैंने इसको बताया कि पोज ऐसे कर. नेचुरल एथलीट है पूरा. नेचुरल. या ओके. वेरी गुड. नाइस. परफेक्ट. देखो बॉडी इनकी अच्छी है. नाइस नाइस बॉडी. यू बिकम अ बॉडी बिल्डर. One time. Yes, beginning. Yes, very good. Yeah, mine. Yeah, yes. What? Let's go. Okay, we'll go. You don't need a picture with Bloy? Yeah, yeah. I want a picture with him playing game. ओके. ये देखो इनका छोटा सा फुटबॉल का मैच है. यहाँ पर मैच होता है. इन्होंने बना रखा है अपना फुटबॉल का स्टेडियम. अच्छा बना रखा है. यहाँ पर फुटबॉल खेल देखते हैं सारे लोग. काइंड ऑफ छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनका. यहाँ पर बैठ के खेलते हैं देखते हैं. फुटबॉल का बहुत शौक है इनको. मुझे कह रहा fuck you too. ये देखो हम यहाँ पे आए हैं एक छोटे से लोकल बार में. जो घर की बनाई ड्रिंक है वो चल रही है. थैंक यू. ये देखो ये जो ड्रिंक बनाई थी वो पीते हैं इसको. इसमें बहुत कम परसेंट अल्कोहल है.
और छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। ये देखो, हेलो बाय। देखो लोकल बार, छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके बाय 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 बाय। ये यहाँ का लोकल बार है, पेड़ के नीचे बैठे हैं लोग। चलो चलते हैं, सारे शराब में धुत पड़े हैं। हंस हंस के बात करनी पड़ती है हर एक से, अगर ना करो तो गुस्सा हो जाते हैं। कितनी गंदी जगह पे बना है वैसे लोकल बार ये। चलो देख लिया, एक बार देखने की इच्छा थी, इस भाई ने दिखाया मुझे, कहता एक बार लोकल बार दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पे जो शराब बनती है तो कैसे पी जाती है, तो कहता मैं दिखा देता हूँ। मैं आ गया अपने वापस हॉस्टल में। हॉस्टल नहीं है, काइंड ऑफ रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है रूम। रूम तो बहुत अच्छा मिला है। ये मुझे पड़ा है 1200 बेर का। इंडिया में भाई ढाई गुना कम कर लो इससे, उतने का है। अच्छा है रूम तो, टीवी टूवी है, उससे फार बेटर है। जो लास्ट लिया था वो 1000 का था, वो लिया था मैंने बर्लिन में। और यहाँ पे सारी ज्यादातर जो ट्राइब्स है, यहाँ पे 16 ट्राइब्स हैं। 16 ट्राइब तो कवर नहीं कर सकते, और धीरे धीरे सारी मॉडर्न होती जा रही है, बहुत कम ट्राइब्स रह गई हैं। मैं एग्जिट करके इस कंट्री से आपको इसकी हार्श रियलिटी बताऊंगा, इस कंट्री की हार्श रियलिटी क्या है, जो लोग कोई नहीं बताते। सिर्फ ये बताते हैं हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। बहुत कुछ है हिडन जो यहाँ पे छुपा हुआ है, जो लोगों को नहीं पता। और आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं या टूरिस्ट हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या चलता है। आप लोगों को सब बताऊंगा भाई, पर इस कंट्री से आउट कर जाऊँ फिर बताऊंगा। और नेक्स्ट कंट्री मैं कल जा रहा हूँ, आप कमेंट्स में बताओ कौन सी कंट्री जा रहा हूँ।